नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट अध्यापकों की सेवा निरंतरता प्रवृत्ति आदि के संबंध में इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ और मंत्री महोदय ने बड़ा ही पॉजिटिव रुख दिखलाया और पॉजिटिव रुख दिखला करके इस पर पुनः बात करने के लिए आश्वासन दिया है। इस पर होगी बात और कुछ इसमें छूट रहा क्या? समीक्षा करके समेकित रूप से समीक्षा करके इस पर निर्णय लेके शीघ्र ही निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। इसके बाद शिक्षकों के लंबित वेतन वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के जो कोड निलंबित हो गए हैं उसकी भी समीक्षा कर वापस करने की बात। हाँ, वित्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के कोड निलंबन संबंधी आदेश निरस्त कर पूर्व की व्यवस्था बहाल करने के भी संबंध में ये दूसरा नंबर पर था जो कि हमने बोला कि पहले के साथ इसको लिया गया। इस पर भी बात हुई, इस पर भी उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक और निर्णय लेने का उन्होंने आश्वासन दिया है और सब एक महीना के अंदर जितना भी बात हुई आज उसको एक महीना के अंदर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके वो निर्णय लेंगे ताकि फिर दो तरह की बात नहीं हो। जो भी नियम कानून है उसके अंतर्गत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके इस पर निर्णय लेंगे। और चौथा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत दिनों से जो परियोजना बालिका विद्यालय की मान्यता के साथ साथ कुछ इसमें अप्रशिक्षित शिक्षक रह गए हैं, हाँ अनट्रेन को, जिसमें कि कुछ लगता है कि त्रुटि रह गई विभाग से, कुछ लोगों की बहाली हुई कुछ लोगों का नहीं हुआ, बहुत कम से ऐसे लोग बच गए हैं। तो इसलिए ये हुआ कि जब इस तरह का नियम लागू हो गया कि जो अनट्रेन है उसको भी उसमें से कुछ ले लिया गया माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर, तो जो बच गए हैं तो उस आदेश का पालन करते हुए कुछ लोग बहुत कम बच गए हैं उनकी भी सेवा का समंजन कर लिया जाए। ये हम लोग का चौथा ही था। हाँ, छोड़ दिया गया है, उसको भी किया जाएगा। इसके बाद अतिथि शिक्षकों के समायोजन की बात में हुई। गेस्ट टीचर का बड़ा मुद्दा है, 4600 टीचर से एक झटके में सड़क पे आ गए। हाँ, तो उसमें इस पर बातचीत हुई कि जो आदमी इतने दिनों से सेवा कर रहा है, सेवा दे रहा है और उसकी योग्यता भी है, योग्यता है तभी लिया गया, इमरजेंसी में लिया गया और बहुत दिनों तक शिक्षा का काम लोग चलाए और जब आज उनकी जरूरत जब आ गई तो उनको छोड़ दिया गया। तो इसलिए उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके उनकी सेवा का भी समंजन किया जाए। और फिर एक इसके बाद भी एक तो आया था कि कुछ लोगों का जैसे एज बढ़ाना है, एज का फैक्टर उसमें नहीं किया है, तो एज के फैक्टर पर भी उन्होंने कहा कि ठीक है इसको हम करेंगे, एज बढ़ा दिया जाएगा और उनको वो लोग पूरा करेंगे। और यूनिवर्सिटी गेस्ट टीचर पर भी बात लागू हुई है, इसको किया जाएगा। तो ये मोटा मोटी जितना भी एजेंडा हुआ, इस एजेंडा में जो पांच चीज है इसके अलावे भी और यहाँ पर बैठकर कुछ बातें हुई है जो कि इस एजेंडा में नहीं था। हाँ, सब संस्कृत मदरसा सबकी बात हुई तो जो कि इस एजेंडा में नहीं था लेकिन लिया गया इसको। इसके बाद वो माध्यमिक विद्यालय जो है अल्पसंख्यक विद्यालय, हाँ उस सबके चीज लिया गया है। सारी बातों को आज यहाँ पर बड़ा ही सार्थक ढंग से और पॉजिटिव, या हमारे वैसे शिक्षक जिन माध्यमिक अनुदानित विद्यालय के जो कोड निलंबित कर दिए गए हैं, एडमिशन बंद कर दिया गया है और जबकि संकल्प में साफ उनको अस्थाई संबद्धता दे दी गई है, ऐसे सभी जो मामले हैं चाहे हमारे अतिथि शिक्षक हों, हमारे फिजिकल शिक्षक हों, यूनिवर्सिटी के अतिथि शिक्षक हों, और सब पर एक समीक्षा कर हमारे जो पूर्व में नियोजित शिक्षक बीपीएससी से परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक के रूप में बहाल हो गए उनके पूर्व की सेवा की निरंतरता उसकी मान्यता देने की बात हो, प्रमोशन की बात हो पूर्व की सेवा को मानते हुए, या हमारे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास कर लिए हैं उनके पूर्व की सेवा के मानने की के सवाल हो, सब पर सकारात्मक बातें हुई है। और उसमें हमारे मदरसा और संस्कृत के शिक्षक और अल्पसंख्यक
जो विद्यालय महाविद्यालय हैं उनके संबंध में भी बात हुई है, और सर मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एक महीने में जो हम लोगों ने तार्किक ढंग से उनके हमारे सभी सवालों के पक्ष में बातों को रखा है उनका वो सबको संज्ञान में लेते हुए और एक महीने के अंदर समीक्षा कर और वो इस पर निर्णय लेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। एक आखिरी सवाल सर मदन मोहन झा जी से है। सर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, एक और एक सवाल है कि बिहार में शिक्षक भर्ती हुई है, 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों का चयन हुआ है, देखा गया है कि 19 से ज़्यादा और मतलब कि एक कहते ना सर कि बहुत ज़्यादा संख्या में बाहरी राज्य का भर्ती आए हैं, अब बच्चे लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं सर, जो कि पहले डोमिसाइल था। क्या सर आप देखिए सबसे बड़ी बात है जहाँ हम लोग एजेंडा पर बात कर रहे थे उसमें वो एजेंडा में नहीं शामिल था, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और जो चीज़ हम लोग के जेहन में था या लोगों ने अवगत कराया था उस पर सभापति जी संजय जी आपको डिटेल बता चुके हैं। मैं समझता हूँ जितनी बैठक इससे पूर्व हुई उससे बहुत ही असरदार बैठक आज हुई, और उस पर माननीय मंत्री जी का और पदाधिकारी गण का दोनों का पॉजिटिव रुख था। हम समझते हैं अब अतिशीघ्र कुछ न कुछ अच्छा निर्णय आपको मिलेगा। एक बिंदु और छूट गया, एजेंडा में था प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के वैसे शिक्षक जो अप्रशिक्षित कुछ बच गए हैं जिनके सेवा का सामंजन नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ने समय समय पर ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों का के सेवा का सामंजन कर लिया है तो उस पर भी डिटेल चर्चा हुई है, क्योंकि इसके इस संबंध में पहले भी बात हुई थी और विभाग ने समय मांगा था, आज भी विभाग तैयार होकर नहीं आया है, लेकिन हम मंत्री जी ने हमको समय दिया है कि ऐसे कितने अप्रशिक्षित शिक्षक बचे हुए हैं उसका लिस्ट तैयार करके, और उसमें जो अमान्य विद्यालय कर दिए गए हैं अर्हता रखते हुए उसके भी लिस्ट को मांगे हैं, 12 के बाद हम लेकर उनको देंगे और इस पर बात करेंगे, और 12 सितंबर के बाद वो मांग किए हैं, हम कागज की तैयारी के साथ हम लोग जाएंगे उनसे मिलकर और उसको कहें कि हम अब अंतिम रूप दें। तो ये हमारे हाँ तो जी सर बोलिए। इसके अलावा भी हम लोगों ने किया था कि हर एक स्कूल में लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और एक और क्या था जी, हेल्थ इंस्ट्रक्टर वगैरह की बहाली हो उसमें लिपिक वगैरह। हाँ इसके लिए मैं सफर कर रहा है स्कूल में जो मंत्री जी इस पर सब मैंने बोले ना समेकित रूप से उन्होंने सहमति व्यक्त की और पॉजिटिव रूख